हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्जिम एक्सपर्ट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग ने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। प्रोडक्ट सिलेक्शन हो गया है हमारा, फाइंड कैसे करना है, बायर्स कैसे ढूंढने हैं, तो बहुत सारे हमारे पास सजेशंस आए हैं कि सर HS कोड क्या होता है। सो व्हाट इज़ HS कोड? सो हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करते हैं, राइट? सो आज हम डिस्क्राइब करेंगे HS कोड। HS कोड एक पर्टिकुलर कोड है जिसे हम कहते हैं हार्मोनाइज सिस्टम कोड। ये क्या होता है कि अक्रॉस द वर्ल्ड एक होता है। एक मीन्स इसके कुछ डिजिट्स होते हैं। जहाँ तक हम लोग बात कर रहे हैं 02, 01 और 02, तो अप टू 6 डिजिट तक ये अक्रॉस द वर्ल्ड एक प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करता है। लाइक मान लीजिए मेरे पास अभी एक ये मार्कर है, बट मैं अभी कह रहा हूँ, मैं इंडिया में हम लोग कहते हैं मार्कर, बट स्पेन में कुछ और कहते होंगे इसको, कुछ और लोकल लैंग्वेज से जानते होंगे, इटली में कुछ और लोकल लैंग्वेज से जानते होंगे। सो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक रूल्स डिफाइन करा है जहाँ पे हर एक प्रोडक्ट का एक कोड डिफाइन हुआ है। सो अप टू 6 डिजिट, जो मैंने आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन में भी बताया था, आप वो मेरा वीडियो रिफर कर सकते हैं। अप टू 6 डिजिट जो होता है वो अक्रॉस द ग्लोबल सेम होता है टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है? तो उसे आप आइडेंटिफाई करके आप अपना आगे का जो जर्नी है, प्रोडक्ट सिलेक्शन का है, मार्केट सिलेक्शन का है, उसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और यदि किसी बायर के साथ आपको कोऑर्डिनेट करना है या कम्युनिकेशन करना है, तो आप पर्टिकुलर उसको डिस्क्रिप्शन के साथ में प्रोडक्ट का नाम नहीं बताएंगे, उसको कोड लिख के भेजेंगे आप। जैसे ही आप वो कोड लिख के भेजेंगे तो बायर विल गेट टू नो कि आप किस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? सो ये एक हमारा छोटा सा डिस्क्रिप्शन था कि हमारे पास एक क्वेश्चन आया था कि HS कोड क्या होता है। सो उसके लिए आज हमने ये छोटा सा वीडियो सिर्फ आपके लिए। थैंक यू सो मच।